तमिलनाडु में बुधवार तड़के डीएमके नेता और बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी छापेमारी पूरी करने के बाद उनको पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर रवाना हुए। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। वो पूछताछ के लिए उनको लेकर रवाना तो हो गए, लेकिन पूछताछ से पहले ही बिजली मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। दरअसल डीएमके नेता और तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की कार्रवाई के दौरान सेंथिल बालाजी ने सीने में दर्द की बात कही, फिर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये छापा चेन्नई स्थित करूर में उनके भाई और एक करीबी के ठिकाने पर भी मारा गया। तो वहीं सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद डीएमके भड़कती हुई नजर आई और पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। डीएमके ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी की डराने धमकाने की राजनीति से नहीं डरेगी। बता दें कि ये मामला 2014 का बताया जा रहा है, जब सेंथिल अन्ना द्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे। खबरों के मुताबिक उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने सेंथिल के खिलाफ कथित कैश फॉर जॉब घोटाले की पुलिस और ईडी जांच की अनुमति दी थी। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखकर कहा कि ईडी के घोर दुरुपयोग की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। ये डराने धमकाने और परेशान करने के लिए मोदी सरकार की बेशर्मी से भरी कोशिश है। इस तरह की हरकतें विपक्ष को चुप कराने में कामयाब नहीं होंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।